बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौर पब्लिशर्स। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। माय नेम इज असीब अमीन खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गौर स्किल अप मैथमेटिक्स सीरीज ग्रेड 4। द यूनिट इज 8। द टाइटल ऑफ यूनिट 8 इज मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ टाइम। हम यूनिट ऑफ टाइम को कैसे ऐड अप और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। A1 इज 16 ईयर्स and 6 months old and Ariba is 12 years and 8 months old। दोनों की एज इतनी बता दी गई है। What is the total age? इन दोनों की टोटल एज क्या है? अगर हम इनकी टोटल एज करना चाह रहे हैं तो सिंपल दोनों को ऐड अप कर दें। तो मैंने 16 years और 6 months में ऐड अप किया 12 years और 8 months। तो 6 में मैंने 8 ऐड किया तो 14 months हो गए। 14 months का मतलब है 12 months plus 2 months। 12 months means 1 year एंड 2 मंथ्स आ गया। तो इसको हमने लिख दिया 1 ईयर और 2 मंथ्स। इसको ईयर वाले में काउंट करेंगे 28 और प्लस 1 29, तो इनकी टोटल इसके हो गए 29 ईयर एंड 2 मंथ्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। वो कह रहा है रफी इज 18 ईयर्स एंड 7 मंथ्स ओल्ड, हिज फादर इज 55 ईयर्स एंड 9 मंथ्स ओल्ड। दोनों की फादर की और सन की एज बता दी गई है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इन मंथ्स। कहता है आपने इनका डिफरेंस निकाल के देना है किसमें, मंथ्स में। तो आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आया, 37 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। अब 37 और 2 मंथ्स को आपने मंथ्स में कन्वर्ट करके देना है। हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 को 37 से किया तो 444 आ गया, 444 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स, तो ये 446 मंथ्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि 43 आवर्स 25 मिनट्स एंड 16 सेकंड को ऐड अप करना चाह रहे हैं 32 आवर्स 13 मिनट एंड 13 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेकंड में सेकंड वाले ऐड करेंगे, मिनट में मिनट वाले ऐड कर देंगे और आवर्स में आवर्स वाले ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75 आवर्स 38 मिनट एंड 29 सेकंड। इसी से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 आवर्स 11 मिनट्स एंड 11 सेकंड्स। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम 8.11 पे मूव करें। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। हमें इसमें जो ऐड अप और सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन है वो करके दें सॉल्व। तो बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें, वो कह रहा है 48 आवर्स 10 मिनट एंड 27 सेकंड्स। तो ये 10 आवर्स 24 मिनट्स एंड 33 सेकंड्स, इनको जब आप ऐड अप करना चाहेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 3 10, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6, 60 सेकंड हो गया। और ये देखें मिनट में, ये 4 और 2 और 1 3 और ये 8 और 4 1 5। तो देखें जो 60 सेकंड होता है वो 1 मिनट के इक्वल होता है। तो मैं इसको 48 आवर्स 34 मिनट प्लस 1 मिनट लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 58 आवर एंड 35 मिनट हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से हम कोई और पार्ट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 6 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं 22 आवर्स 10 मिनट एंड 2 सेकंड, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 आवर्स 6 मिनट एंड 0 सेकंड। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 2 में से 0 गया 2 सेकंड, 10 में से गया 4 मिनट, ये 22 में से 4 गए तो 18 आवर्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं रियाज इज 12 ईयर्स एंड 6 मंथ्स ओल्ड एंड खालिद इज 12 ईयर्स एंड 3 मंथ्स ओल्ड, व्हाट इज देयर टोटल एज। कहते हैं दोनों की टोटल एज कितनी है। तो देखें क्वेश्चन 2, रियाज एज 12 ईयर एंड 6 मंथ और खालिद एज वो कितनी है हमारे पास, 12 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, 6 और 3 9 मंथ्स और 12 24 ईयर्स। तो दोनों की कलेक्टिव एज कितनी है, 24 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, ये दोनों की टोटल एज है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी सुनो, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।